नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। मैं हूँ राकेश। सारण जिले के परसा नगर पंचायत के वार्ड 4 सुबह परसा गांव में 33 वर्षीय युवक को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर बुधवार को सारण डीएम सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर बांस बल्ला रस्सी लगाकर सील कर दिया गया। गाँव की सुरक्षा को लेकर सैनिटाइजर का छिड़काव कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पॉजिटिव युवक कुछ दिन पहले सूरत से आया हुआ था। मालूम हो कि पॉजिटिव युवक के संपर्क में आने से 14 लोगों में 3 मढ़ावड़ा थाना क्षेत्र के तथा 11 परसा थाना क्षेत्र के सुबह परसा गांव के बताए जा रहे हैं, जिसको मेडिकल जांच के लिए सोनपुर आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया है। परसा से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार कंटेनमेंट जोन घोषित हुआ है और जो COVID-19 के अंतर्गत जो संदिग्ध राजेश्वर साहब हैं, जो आइसोलेशन में अभी हैं, तो उनके घर के चारों बगल ये रोड है, 3 बगल, एक बगल पड़ती ज़मीन है, तो उसको एहतियात के तौर पर हम लोगों ने सील किया है। कंटेनमेंट जोन वहाँ सभी लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध है। जो आवश्यक सामग्रियां हैं उसके आपूर्ति की जाएगी, जैसे बच्चों का दूध वगैरह हुआ, साग सब्जी हुआ या अनाज वगैरह हुआ, उसकी आपूर्ति प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को ये जिम्मा सौंपा गया है। और ख़ास करके यहाँ भी बहुत से ग्रामीण अभी हैं इकट्ठे, इनसे मेरा यही अपील है कि 3 चीज़ पर ध्यान दें। अनलॉक फेज 1 में मास्क पर बहुत ज़रूरी है, जब भी घर से बाहर निकलें या घर पर भी रहें तो मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, सामाजिक दूरी, और जो अपना हाथ है वहाँ से नाप लेना है, दूरी बना के काम करना है, और अगर बाज़ार जाने की आवश्यकता है और 2-3 घरवासी लोग मिल जाएं और मिल करके एक लिस्ट बना लें कि हाँ हमको ये सामान खरीदना है, हमको ये सामान खरीदना है, तो एक लिस्ट बना करके अगर एक ही आदमी जाके मार्केटिंग करके लाता है तो वो सोशल डिस्टेंस का ही पार्ट होगा और अनावश्यक भीड़ भी नहीं लगेगी। और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में मेरा कहना है कि जैसे टेम्पो या बसेज वगैरह जो चालू हुई है उसका अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर लेना है। अगर मान लीजिए एक गाड़ी भर गई तो फिर दूसरी गाड़ी के लिए इंतजार करना है, ना कि उसमें कोचा कोची कर करके आदमी चढ़ जाए। तो यही सब एहतियात हैं और उम्मीद है कि जो हमारे संदिग्ध हैं वो निगेटिव हो जाएंगे, और उसके साथ जो उनके जो ट्रेवलर हैं, ट्रेवलर में 10-12 व्यक्ति हैं और जिनको की भी सैंपल के लिए अभी हम लोग आज भेज रहे हैं, उसके बाद जैसा होगा हम लोग उस पर ये करेंगे।